कांग्रेस ने देश भर में आज महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन करने का ऐलान किया, जिसके तहत आज पिंपरी चिंचोड़ शहर में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से महंगाई के विरोध में जेल भरो आंदोलन किया गया। कांग्रेस शहर अध्यक्ष कैलाश कदम के नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोध में घोषणाबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में सरकार के खिलाफ पोस्टर लेकर नारेबाजी की गई। देश भर में महंगाई की मार से जनता बेहाल है और हर रोज महंगाई बढ़ती जा रही है। आम आदमी की कमर टूट चुकी है। हाल ही में GST और CNG रेट में बढ़ोतरी की गई है। महंगाई की बढ़ती मार से जनता त्रस्त हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार न मिलने से देश में बेरोजगारी का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार के खिलाफ बोलने वाले विरोधियों को दबाया जा रहा है। कैलाश कदम ने कहा कि कांग्रेस आमजन के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। सड़क से लेकर संसद तक हमारी पार्टी के नेता संघर्ष करते हुए देखे जा सकते हैं। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से देश की जनता बेहाल है। सरकार ने तुरंत महंगाई कम करनी चाहिए। मोदी शाह सरकार चा अग्निपथ सारखी फसवी योजना मोदी सरकार चा देश में कांग्रेस पार्टी ने ये महंगाई के खिलाफ जो महंगाई तमाम हमारे देशवासियों को जिस तरह की तरीके से तकलीफ दे रही है, महंगाई के कारण हमारा देश का हर एक नागरिक, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे सब कष्टकारी वर्ग में हो, ये सब हमारे तमाम जनता ही देश की अभी फिलहाल उनको खाने के लिए कुछ खाने के बारे में जो चीज़ें हैं, जीवनावश्यक जो वस्तु हम लेते हैं, दाल रहने दो या गैस रहने दो, दूध रहने दो, उस पर भी इन्होंने GST लगाई है। तमाम जनता जो आज बेहाल है, उनका किसी का ही पेट भरने का या इस देश में कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इन्होंने GST जीवनावश्यक वस्तु पे 5% लगाई है, कुछ जगह 8% लगाई है, कुछ जगह 6% लगाई है, कुछ जगह 12% लगाई है, कुछ जगह 18% लगाई है। ऐसी ये GST जिस माध्यम से उन्होंने लगाई उसका जाहिर तरीके से निषेध कांग्रेस पार्टी कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी तमाम हमें हमारे भारतवासियों का आवाज़ उठाना चाहती है, हमारी आदरणीय सोनिया जी गांधी, आदरणीय राहुल जी गांधी, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना साहेब पटोले जिस तरीके से आवाज़ उठाना चाहते हैं, वो आवाज़ धड़पने का काम सरकारी यंत्रणा जो है, जो ED जैसी है, CBI जैसी है, उनको सामने कर देश के तमाम जनता का आवाज़, ये महंगाई के खिलाफ जो कांग्रेस उठाना चाहती है उसको धड़पने का काम ये मोदी और शाह सरकार करना चाहती है, जिसका जाहिर तरीके से हम निषेध करते हैं। हमको देश का पंतप्रधान कैसा चाहिए? हमको देश का पंतप्रधान ये रोने वाला नहीं चाहिए, जो भावुक होने वाला पंतप्रधान हमको नहीं चाहिए। हमारे देश के पंतप्रधान जो हमारे 130 कोटी से ज़्यादा जनता ने उन पर विश्वास डाला और उनको वो गद्दी पर बिठाया, लेकिन हमारा देश के पंतप्रधान नौ बार भावुक हो गए, 9 बार वो रोए। किस बात से रोए? वो कौन से बात से रोए? क्या उन्होंने वहाँ पर सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाले इसलिए रोए? हर साल 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध करके दिए इसलिए भावुक हो गए? किसानों का कानून उन्होंने पूरा तोड़ दिया इसलिए भावुक हो गए? मजदूरों का कानून उन्होंने तोड़ दिया इसलिए भावुक हो गए? CAA का कायदा लगाया इसलिए भावुक हो गए? कौन से बातों से वो भावुक हो गए 9 बार, ये हमको समझ नहीं पा रहे हम लोग। हमको देश का पंतप्रधान कैसा चाहिए? हमको देश का पंतप्रधान हमारे लिए लड़ने वाला चाहिए। सब मजदूरों का, किसानों का, सब समाज के घटकों का आवाज़ और उनको न्याय मिला के देने वाला हमको पंतप्रधान चाहिए। हमको भावुक होने वाला पंतप्रधान, रोने वाला पंतप्रधान हमको चाहिए नहीं। ये देश में ये बैठे हुए 8 साल से नरेंद्र मोदी और शाह सरकार का ये महंगाई के खिलाफ हम उनका यहाँ पर निषेध करते हैं। आज हमने यहाँ पर जेल भरो आंदोलन पुकारा है। देश की तमाम जनता का आवाज़ कांग्रेस पार्टी उठा रही है, वो आवाज़ दबाने का काम सरकारी यंत्र का गैर वापर करके, CBI रहने दो, ED रहने दो, उसका गैर वापर करके जो वो करना चाहते हैं उसका जाहिर तरीके से हम निषेध करते हैं। जो लोकशाही मानते ने हुकुमशाही से उनको ये देश चलाना है उसका जाहिर तरीके से हम निषेध करते हैं। यही बात हम आपके साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, VSAS न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।